डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू डॉक्टर श्रीकांत फार्मेसी चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो। सो टुडे आई केम विथ ए टॉपिक इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन रेट एंड बायो अवेलेबिलिटी। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंट स्टडीज। सो इन दिस क्लास वी आर एनालाइजिंग व्हाट आर the dissolution rate, how you determine the dissolution rate and how you are correlating with the bioavailability. So dissolution rate testing is a very simple, okay, it's a very simple, and this will gives the idea about the in vivo bioavailability. ये जो होता है ना डिसोल्यूशन रेट टेस्टिंग जो रहता है ना बहुत ही सिंपल रहता है, इससे हम लोगों को ये जानकारी देता है इन वीवो बायो अवेलेबिलिटी। ओके, एंड दिस डिसोल्यूशन टेस्टिंग इज ऑलमोस्ट सेम एज ए इन वीवो कंडीशन। जो भी हम लोग ये डिसोल्यूशन टेस्टिंग करते हैं ना उसका जो कंडीशन रहता है ना, जैसे इन वीवो में हम लोगों को बॉडी के अंदर कैसा रहता है वही कंडीशंस हम लोग इधर मिमिक करते हैं। डिसोल्यूशन टेस्टिंग कैरिड ऑन टू डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर ग्राफ्स आर प्लॉटेड। जैसे हम लोग किसी का कौन सा भी फार्मुलेशन का हम लोग बायोअवेलेबिलिटी डिटरमाइन करना बोले तो उसका डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं ना, जो डिफरेंट ब्रांड का सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद हम लोग ग्राफ प्लॉट करना, कैसा बोले तो टाइम इन एक्स एक्सिस, परसेंटेज ऑफ ड्रग डिसॉल्व्ड इन वाई एक्सिस, सिमिलरली ब्रांड ए एंड ब्रांड बी। ओके, सो यूजुअली वी हैव टू कलेक्ट दी two brands which is needed for the identifying the comparison of dissolution testing. Okay, and after that you have to calculate the T50 T90 AUC and compare the two brands. जैसे हम लोग ये graph generate करते time versus the percentage of drug result, उसके बाद हम लोग ये calculate करना T50 T90 AUC and comparing with the two brand, दोनों brand का graph compare करके हम लोग calculate करना। The difference factor F1 and similar factor F2 are calculated separately. If F1 is 0 and F2 is 100, both the product will have the same bioavailability. Okay, जैसे हम लोग F1 is 0 and F2 is 100, both product will be same as a bioavailability. If the difference in greater than 15, if the difference in factor is greater than 15 and similar factor is less than 50, it indicates that the two product are the different bioavailability. So जो conditions रहता है ना, जैसे factor का difference factor less than 15 रहे तो और similar factor less than 50 रहे तो, जब क्या हो जाता है उसका जो bioavailability result रहता है ना अलग हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ओके, सो हेंस इन दिस क्लास वी आर एनालाइटेड द इन सिंपलेस्ट मैनर, दैट इज एन इन विट्रो ड्रग डिसोल्यूशन रेट एज वेल एज द हाउ द बायोअवेलेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।